दोस्तों इस वक्त मैं राजस्थान के जयपुर बीकानेर हाईवे पर हूं और हाईवे से गुजरते समय हमें एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आया। उस बोर्ड पर लिखा है प्रिंस एजुकेशन हब स्कूल कोचिंग एंड कॉलेज। अगर इस हाईवे की बात करें तो हाईवे की एक तरफ PCP, IITZ, NEET, RBSC, इस तरफ हैं और हाईवे की अगर दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर से CBSE, NDA, PCP, ब्रेनरी, डिफेंस, RBSER और कॉलेज, ये इस तरफ है। हम जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट भी नज़र आया और उस गेट के अंदर अगर देखा तो इंडियन फ्लैग है, वो है आर्मी टैंक और यहाँ का जो है मेन गेट भी नज़र आया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें दिखी वो एक पुलिस की तरह दिखने वाली गाड़ी। पहले तो हमें ये लगा कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जो है नाकाबंदी होगी, यहाँ पर जो वाहनों की चेकिंग की जा रही है, लेकिन अंदर आकर के पास आकर के देखा तो ये एजुकेशन हब की पर्सनल पुलिस है, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी पुलिस सिर्फ इसी कॉलेज के जो बच्चे हैं उन पर नज़र रखने के लिए हैं। यहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, यहाँ के जो बच्चे हैं जब कैंपस से बाहर आएँ रोड क्रॉस करें तो उनको कोई दुविधा नहीं हो, इनके जब पेरेंट्स आएँ उनको सही तरीके से कैसे इंदर का रास्ता बताना हो, गाइड करना हो, या फिर बच्चों की हर गतिविधि पर, बच्चे जब कैंपस के अंदर रहते हैं तब इनके टीचर्स होते हैं, पूरा स्टाफ होता है प्रिंस कॉलेज एजुकेशन हब का, वो नज़र रखते हैं और कैंपस से घर तक की जो नज़र है वो हमारे ये जवान रखते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये भी है कि आजकल लगातार जो हम आपराधिक गतिविधियाँ देखते हैं, ऐसे में ये जितने भी जवान हैं उनके पास हथियार हैं, यानी कि ये हथियारबंद जवान हैं। बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए इन्होंने एक अलग से पुलिस हायर कर रखी है। मैं कुछ जवानों से बात करूंगा और उससे पहले ये भी बताऊंगा, इनका ऐसा कहना है, जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि बच्चे जब बाहर कैंपस से बाहर आते हैं तब किसी प्रकार की जैसे अनैतिक गतिविधियाँ नहीं करें, या फिर किसी व्यसन के चक्कर में नहीं आ जाएं, या फिर अलग अलग कहीं बाहरी दोस्तों के साथ, बाहरी लोगों के साथ उधर घूमना फिरना नहीं हो, यानी कि कैंपस से जैसे बच्चे बाहर आते हैं उनकी हर गतिविधि पर इनकी नज़र रहती है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और जो आपकी कम्युनिटी पुलिस है महेंद्र कुमार ढाका जी, ये क्या काम करती हैं मूलतः? जी सर, ये मैक्समैन महेंद्र कुमार ढाका, ये पुलिस मित्रा टीम है प्रिंस स्कूल की तरफ से। तो हमारा काम है बच्चों की सेफ्टी के लिहाज से ये बनाई गई है और बच्चों को जैसे स्कूल टाइम शुरू होता है उस टाइम से लेके बच्चों की छुट्टी होती है जब तक, और हमारी ड्यूटी वैसे 24 घंटे की पूरी है। जैसे बच्चों की सेफ्टी के लिहाज से रोड क्रॉस करवानी है तो रोड क्रॉस करवाते हैं। हथियारबंद सारे जवान हो जाते हैं? जी सर, दोनों दो शिफ्ट में चलती है हमारे, दोनों शिफ्टों में हथियार वाला एक पिस्टल दोनों के पास, एक एक पिस्टल है दोनों टीम में। अच्छा, हाँ, वो सेफ्टी के लिहाज से बनाई गई है। तो कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में इस प्रकार के बच्चों की सेफ्टी? सर, ये इस ज़माने में अभी बहुत ज़रूरी है सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बच्चों की छुट्टी होती है तो कहीं झुंड बना के इकट्ठे हो गए, कहीं लड़ाई झगड़ा है, आपस में नहीं कर ले, आपस में नहीं कर ले, लड़े नहीं, कहीं गलत जगह पे नहीं जाइए बच्चे, पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको भी मतलब गाइड करते हैं। निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है ये कम्युनिटी पुलिस, पुलिस मित्रा की। मैं सुभाष जी से भी बात करूँगा, सुभाष जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि प्रिंस एजु हब में इतनी तादाद में स्टूडेंट बच्चे हो गए हैं कि 50,000 के आसपास बच्चे हो गए हैं, एडमिशन हो गए हैं, तो इनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। पहली होती है पेरेंट्स के लिए सेफ्टी बच्चों की, इसलिए बच्चों की सेफ्टी के लिए ये पुलिस कम्युनिटी पुलिस बनाई गई है। और इसमें बच्चे सुबह जैसे आते हैं अपने घर से या बस से तो उनको सेफ्टी से रोड क्रॉस करवाना और स्कूल में सेफ्टी से पहुंचाना। निश्चित रूप से। इसके अलावा जो कैंपस में बच्चे रहते हैं उन पर भी नज़र पुलिस की इस तरह से रहती है? हाँ सर, उनके भी जैसे इंटरवल हैं हम राउंड मारते हैं, कोई बच्चा बाहर से नहीं घूम रहा है, पहली बात तो बाहर नहीं घूमता बच्चा, पहले अंदर स्टिक है, तो फिर भी हम राउंड करते हैं, बाहर का पूरा पूरा ध्यान रहते हैं। निश्चित रूप से आप बताएं सर, कितना ज़रूरी है आपकी पुलिस इस कैंपस के लिए, बच्चों के लिए? सर, संस्था ने टाइम बता रखा है रात को 9 बजे बाद में कोई बच्चा बाहर नहीं घूमेगा, तो 9 बजे बाद में हम अपने बच्चों को तकरीबन को जानते हैं सबको, अगर 9 बजे बाद में घूमता है तो उनके फोटो ले लेते हैं, सुबह संस्था में दे देते हैं और फिर उनको स्ट्रिक्टली कहते हैं अंदर जाइए भैया। बिल्कुल, 9 बजे बाद में कोई बच्चा बाहर नहीं घूमेगा। निश्चित रूप से बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा आमतौर पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है कि किसी एजुकेशन हब में उनकी पर्सनल एक पुलिस हायर हो और इस तरीके से हर बच्चे की जो गतिविधि है उस पर ध्यान रहती है, नज़र रहती है। आप बताएं सर, आप इसी संस्थान से जुड़े हैं, इस संस्थान का पार्ट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस कम्युनिटी पुलिस को लेकर?
देखो बेसिकली होता क्या है कि हर एक, जैसे सीकर एजुकेशन सिटी है एंड एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सिटी प्रिंस परफॉर्मिंग वेल इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अभी कम्युनिटी जो पुलिस हम लोगों ने लॉन्च किया है पिछले 2 सालों से, तो अपने आप में ये रोल मॉडल अदा कर रहे हैं। अब सेफ्टी नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आसपास के जो जो आसपास के जो भी नागरिक है उनको भी थोड़ा इको फ्रेंडली लगता है कि हाँ समवन इज देयर टू सेफ्टी अवर चाइल्ड एंड अदर्स चाइल्ड ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, और अभी अपन अंदर चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी अपन देख पाएंगे। हम अंदर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें इस एजुकेशन हब के बारे में बताएंगे, और मैं चाहूँगा कि आप देखिए कि बच्चों की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। ऐसे में यहाँ एजुकेशन हब है जहाँ पर करीब 35,000 से ज़्यादा वर्तमान में बच्चे पढ़ते हैं, कई बच्चे रहते भी हैं, तो इन बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से इस एजुकेशन हब की ओर से कम्युनिटी पुलिस हायर की गई है जो 24 घंटे मुस्तैद रहती है। शुक्रिया।